दोस्तों बिहार में गंगा नदी पर 3 पुल और कर्मनास नदी पर 1 पुल से होकर अगले साल आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें पटना के महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन सहित बिहार के कई और ब्रिज अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और भी बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का भी विकास होगा। वहीं चारों पुल सहित उसके अप्रोच रोड को बनाने का काम जारी है। फिलहाल गंगा नदी पर 6 पुलों से होकर आवागमन जारी है। इसमें बक्सर सेतु, पटना में महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन, पटना में जेपी सेतु, मोकामा में राजेंद्र सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और छपरा से आरा के बीच विक्रमशिला सेतु पर आवागमन जारी है। इसके साथ साथ 3 पुल बनने से 2022 तक गंगा नदी पर कुल 9 पुल हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन 3 पुल के बारे में इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन बिहार की डेवलपमेंट अपडेट मिल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज़। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुंगेर में बन रहे पुल के बारे में। दोस्तों अभी मुंगेर के रेलसा सड़क पुल का अधिकतम काम पूरा हो चुका है। इसमें सड़क पुल 2 लेन का है। फिलहाल अप्रोच रोड को बनाने का काम चल रहा है। इसकी लंबाई करीब करीब 14.51 किलोमीटर बताई गई है। इसका शिलान्यास 26 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। रेल पुल को 2016 में चालू कर दिया गया है। करीब करीब 921 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण 2007 में ही पूरा होना था। बाद में जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण इसकी लागत में बढ़ोतरी की गई है और 16 नवंबर 2015 को पुल के निर्माण का कार्य केंद्र सरकार 2774 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। अब इसे 2021 में बनने की संभावना है। इस पुल के बन जाने के बाद खगड़िया और बेगूसराय की दूरी मुंगेर से महज 30 से 40 किलोमीटर ही रह जाएगी। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो सकेगा। फिलहाल मुंगेर के लोगों को सड़क मार्ग से 160 से 170 किलोमीटर की दूरी तय करके खगड़िया और बेगूसराय जाना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं बिहार के सुल्तानगंज से अगवानी घाट पुल के बारे में। दोस्तों सुल्तानगंज से अगवानी घाट पुल के बीच पुल बनाया जा रहा है। यह 4 लेन पुल करीब करीब 1416 करोड़ की लागत से अप्रोच रोड सहित करीब 22 किलोमीटर की लंबाई में इस पुल को बनाया जा रहा है। इसमें पुल की लंबाई करीब करीब 3.16 किलोमीटर है और इस पर अगले साल तक आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस पुल के बन जाने के बाद भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियों का दबाव कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अंतिम और शानदार पुल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है बक्सर से चौसा पुल के बारे में। दोस्तों बक्सर से चौसा के बीच कर्मनास नदी पर करीब 2.5 किलोमीटर लंबा 2 लेन के पुल का निर्माण 14 मई 2018 में शुरू किया गया था। इसे 2021 में बनाने की संभावना है। यहां पर पहले से 2 लेन का पुल बना हुआ है, उसके समांतर 2 लेन नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल पटना से बक्सर, गाजीपुर होकर वाराणसी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग साबित होगा। इसके अलावा यह पुल मऊ और गोरखपुर के कई शहरों को भी जोड़ने का काम करेगा। दोस्तों जल्द यह तीनों पुल बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को फटाफट शेयर करना मत भूले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।